रातों रात कौन से कॉक से पैदा हो गए? ये धरती बंजर होके भी बुजदिल पैदा नहीं करती है। कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा। तो फाइनली दोस्तों दशहरा और भोला ने अपने 12 दिन कंप्लीट करके 13वें दिन में एंट्री मार ली है। साथ ही मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म रावणासुरा ने भी 4 दिन कंप्लीट करके 5वें दिन में एंट्री मार ली है और कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ नंबर सेट कर रही है तीनों फिल्में। दोस्तों आज जानेंगे कि पूरी दुनिया में कौन कितनी कमाई कर रही है, पहले दिन किसने कितना कमाया, ब्लॉकबस्टर हिट का टैग किसके पास है, कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप, किस मूवी को पब्लिक से शानदार रिव्यू मिलने हैं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें रावणासुरा के बारे में तो दोस्तों तेलुगु इंडस्ट्री के मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म रावणासुरा आपने 4 दिन कंप्लीट करके 5वें दिन में एंट्री मार ली है। सुधीर वर्मा के डायरेक्शन में लगभग 50 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म रावणासुरा, जिसको तेलुगु मास महाराजा रवि तेजा ने लीड किया है, जिसमें आपको नेगेटिव साइड ऑफ रवि तेजा के कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जी हां, मूवी का कंटेंट साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें आपको मसाला से भरपूर एक्शन जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं मूवी को, लोगों को ये साइको मासी एक्शन बहुत पसंद आ रहा है रवि तेजा का। बताऊं तो दोस्तों लगभग 1150 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था रावणासुरा को पूरी दुनिया में, लेकिन अभी तक हिंदी वर्जन नहीं आया है। बात करें पहले 3 दिन की कमाई की तो पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी 8 करोड़ की इंडिया से और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी डबल डिजिट का आंकड़ा पार करते हुए 10 करोड़ कमा लिए और दूसरे दिन भी स्ट्रांग होल्ड देखने को मिला लगभग 6 करोड़ का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से, पूरी दुनिया से लगभग 8 करोड़ का। लेकिन अगर बात करें चौथे और पांचवें दिन के कलेक्शन की तो वीकेंड में उतना अच्छा ग्रोथ करते नजर आ नहीं रही है फिल्म, और अपने चौथे दिन जहां 1.5 करोड़ कमाई करी है वहीं 5वें दिन में 1.70 करोड़ का कलेक्शन करते दिख रही है और लगभग 17 करोड़ के आसपास इंडियन बॉक्स ऑफिस से होल्ड करते नजर आ रही है और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से लगभग 30 करोड़ के ऊपर कमाई करते नजर आ रही है, जो कि एक एवरेज ग्रॉसर मूवी साबित हो रही है। साथ ही डेंजर जोन में भी भयंकर सर्वाइव कर रही है। लेकिन सुपर हिट होने के लिए बस 50 करोड़ का बजट कवर करना है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 7 दिन में कवर कर डाले। दूसरा, मूवी को हिंदी बैच में भी रिलीज करने की जबरदस्त प्लानिंग चल रही है, तो देखो आगे और क्या क्या होता है। लेकिन यार अगर आप रवि तेजा के सुपर फैन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि उनकी बेस्ट मूवी कौन सी लगी आज तक के करियर की। लेकिन बात करें नेचुरल स्टार नानी के करियर की बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म दशहरा के बारे में, जी हाँ, दशहरा ने नानी को बिगेस्ट ग्रॉसर बना दिया है अपने पहले दिन से ही, जहां 30 करोड़ की जबरदस्त कमाई करके एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड सेट किया था और पूरी दुनिया से ओपनिंग डे में ही 38 करोड़ का बिग कलेक्शन भी किया था। बता दूं श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में मात्र 65 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म दशहरा एक शानदार पकड़ बनाते दिख रही है पब्लिक में। दोस्तों नानी के लीड रोल में बनने वाली दशहरा उनके करियर की एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें आपको कीर्ति सुरेश, दीक्षित शेट्टी जैसे दिग्गज स्टार भी देखने को मिलेंगे। बात करें अभी तक इस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है तो यस, पहले 4 दिन में 87 करोड़ की जबरदस्त कमाई अपने खाते में रखी थी, साथ ही 108 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिया था। बता दो दोस्तों दूसरे हफ्ते भी क्या गजब कमाई करते नजर आ रही है दशहरा, जबकि सामने दिग्गज स्टार रवि तेजा की फिल्म रावणासुरा जबरदस्त टक्कर दे रही है। लेकिन मानना पड़ेगा नेचुरल स्टार नानी रावणासुरा पर भी भारी पड़ रही है। इसी के साथ 9वें दिन 1.70 करोड़ और 10वें दिन 2.15 करोड़, 11वें दिन कमाई 2 करोड़ और कल यानी 12वें दिन में मात्र 1 करोड़ कमाने पर कामयाब रही है दशहरा। आज इसका डे 13 है और बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 1.30 करोड़ तक का स्ट्रॉन्ग होल देखने को मिल रहा है और एंड ऑफ द डे टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 77 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। साथ ही पूरी दुनिया से कमाई 120 करोड़ के ऊपर पूरा कर लेगी दशहरा। तो हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी का खिताब तो दशहरा ने अपने नाम कर ही लिया है पिछले हफ्ते से, आगे देखो और कितनी कमाई कर सकती है। लेकिन बात करें तीसरी फिल्म यानी भोला के बारे में तो यस, इसे भी दशहरा के साथ रिलीज किया गया था और अपने ओपनिंग डे से ही कुछ खास कमाई करते नजर नहीं आ रही है, जैसे कि अजय सर की बाकी फिल्में आती हैं। लेकिन हाँ, अपने दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन तक अच्छी खासी कमाई करी थी बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन उसके बाद एवरेज ट्रेंड करते हुए बुरी तरीके से सर्वाइव करते नजर आ रही है। जी हाँ, भोला को लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जिसका डायरेक्शन खुद अजय सर ने ही किया है, साथ ही मूवी को लीड भी खुद मास महाराजा अजय देवगन सर ने ही किया है। बताऊं तो दोस्तों मूवी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कैथी का रीमेक है। दूसरा, मूवी ने ओपनिंग डे में ही लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस से करा था और साथ ही वर्ल्ड वाइड ओपनिंग भी अच्छी खासी ली थी। वहीं शुरुआती 4 दिन वीकेंड में 44 करोड़ का बिग कलेक्शन सेट करा था। वीक डेज में भी अच्छी ग्रोथ करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले 8 दिन में लगभग 60 करोड़ के आसपास आंकड़ा टच कर लिया था और पूरी दुनिया से लगभग 78 करोड़ के आसपास आंकड़ा पहुंचा दिया था। वहीं अपने 9वें और 10वें दिन में भी अच्छी ग्रोथ दिखी और 9वें दिन में लगभग 3.60 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी और 10वें दिन में भोला ने लगभग 4.30 करोड़ की कमाई खाते में रखी थी। बात करें 11वें दिन और 12वें दिन के कलेक्शन की तो यस, 11वें दिन में अच्छी कमाई करते हुए लगभग 4.90 करोड़ का बाउंस बैक किया। वहीं कल यानी 12वें दिन में लगभग 2 करोड़ का कलेक्शन सेट कर पाई थी। बात करें आज यानी 13वें दिन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है तो यस, 2.20 करोड़ तक
की कमाई करते नजर आ रही है और ऑल ओवर इंडिया से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 77 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया है। वहीं दुनिया भर से लगभग 102 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने खाते में रख लिया है और एवरेज स्टैंड करते हुए बिग सर्वाइव कर रही है। बता दूं तो दोस्तों मूवी को जबरदस्त स्टार कास्ट के साथ सजाया है अजय सर ने, जिसमें आपको तब्बू, अमाला पॉल, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों मूवी बहुत शानदार है, जिसने देख ली है उन्होंने तो मजा लूट लिया है, पर जिसने नहीं देखी है जाके जरूर देखो यार, ऐसा कंटेंट बार बार नहीं आता बॉलीवुड में। तो दोस्तों दशहरा, रावणासुरा और भोला तीनों फिल्मों के सारे फिगर्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपकी बारी है, आप लोग बताएंगे कि कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई कर रही है, किस फिल्म को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है तीनों में से, सब कॉन्वर्सर जरूर बताओ यार। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।